बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जिला मुख्यालय नागौर का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला चल रहा है और आज की रात्रि की सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम पशुपालन विभाग में आयोजित किया जा रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर है और आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रजनीगंधा शेखावत अपनी प्रस्तुतियां देने वाली है और इसको लेकर पूरे क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, यहाँ पर पुष्पों का श्रृंगार किया जा रहा है, बहुत सुंदर मंच तैयार किया गया है और लोगों के बैठने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएँ की गई है। जिला कलेक्टर महोदय पौधा आ चुके हैं, दिनेश यादव मनोज कुमार जी हमारे बीच, जिला कलेक्टर महोदय पधार रहे हैं, आपके साथ हैं उप निदेशक और संयुक्त निदेशक पशुपालन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबत सर विधायक रामनिवास जी गावड़िया पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच श्री रामनिवास जी गावड़िया साहब। मुख्य अतिथि विधायक महोदय का सम्मान किया जा रहा है, गावड़िया जी का, जो कि पर्वत सर विधायक है, जिला कलेक्टर महोदय दिनेश सिंह यादव का सम्मान किया जा रहा है, एडीएम साहब का सम्मान हो रहा है, श्री अजय कुमार जी, मुख्य अतिथि श्री रामनिवास जी गावड़िया साहब, जो आज की शाम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्टार रजनीगंधा शेखावत का सम्मान किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा।
विधायक महोदय आप देख रहे हैं बुके भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। सबसे निवेदन कुछ पे कुछ भेंट करके बुके भेंट करके आपका अभिनंदन करें और शॉल उड़ाकर जिला कलेक्टर महोदय शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। यादव साहब बॉलीवुड स्टार रजनीकांत शेखावत का सम्मान हो रहा है जिनका माला पहन आज की सांस्कृतिक संध्या का पूरा ग्रुप इस समय मंच पर है। के द्वारा धन स्वागत कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हो रहा है। मुख्य अतिथि विधायक गावड़िया जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय के साथ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज फूलारों का ही माजनो पलका दिया बिछाई मेघ बसंत अरे पावना नित नित किया घर आए पावड़े बिछाते हैं। ये दीप राजस्थान की संस्कृति का है मेहमान आया है सखी जो प्रज्वलित किया जा रहा है पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा बाबा श्री रामदेव पशु मिले कि आज की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हो रहा है। प्रज्वलित करके कार्यक्रम का से मेरा एडीएम महोदय जी प्रज्वलित कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें हमारे बीच में पधारे नागौर के जिला कलेक्टर दिनेश कुमार जी यादव एडीएम मनोज कुमार जी शर्मा पर्यटन विभाग की ओर से पधारे हमारे बीच में अधिकारी अजय जी शर्मा और मेरे सामने उपस्थित नागौर जिले से पधारे हुए तमाम सम्मानित नागरिक बंधुओं हमारे बीच में मुंबई से पधारे हैं रजनीकांता जी शेखावत आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है अभिनंदन है। साथियों हमारा देश हमारा प्रदेश और हमारा जिला विशेष रूप से आस्थाओं के प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है चाहे वो करनाल का तेजाजी का मंदिर हो चाहे परबसर का वीर तेजाजी का पशु का मेला मंदिर हो मीराबाई का मंदिर हो हर तरफ से राजस्थान में अगर किसी जिले ने अपनी विशेष पहचान बना रखी है तो नागौर जिला है जी के रूप में रामदेव जी के रूप में मीराबाई के रूप में राणाबाई के रूप में इस नागौर की भूमि से अनेक लोक देवताओं ने और ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिनके नाम पर आज पूरे देश भर में लोगों की मान्यता है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम उस जिले से आते हैं जहां शहीद होने में अगर सबसे आगे कोई जिला है तो आज नागौर जिले का जवान चाहे सीमा पे खड़ा हो चाहे किसी भी प्रशासनिक सेवा में खड़ा हो हर जगह नागौर के बेटे और बेटियों ने झंडे गाड़े हैं। इस बात के लिए मैं आप सब लोगों को आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए आप सब लोगों ने यहाँ शिरकत की उसके लिए मैं पर्यटन विभाग की तरफ से और राजस्थान की सरकार की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों पिछले एक साल में महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने जब से इस पर्यटन विभाग को संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे राजस्थान की जो गौरवशाली परंपरा रही है हमारे इस राजस्थान में जिस तरह से चाहे वो भरतपुर का डीग महोत्सव हो चाहे स्वाईमाधोपुर का महोत्सव हो चाहे आने वाले समय में जैसलमेर का मरु महोत्सव हो और आज इस नागौर की पावन धरा पर चाहे वो रामदेव पशु मेला हो हर जगह महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ते हुए हमारी महान परंपराओं को आज वापस जीवित करने का एक अनुकरणीय पहल जो की है उसके लिए मैं उनको भी आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। चलो तो 50% तो जाना है बिकॉज अभी तो नया नया चालू है हमारा गाना आना तो देन इंट्रोडक्शन तो बड़ो बड़ो हो जावे फिर समझ से इसके भाई है कौन तो बता देना चाहिए।
सो ऑफकोर्स राजस्थान टूरिज्म ने तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और राजस्थान टूरिज्म को गानों है, को प्रोग्राम है, तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू वेलकम यू, ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू से पधारो हमारे देश, मतलब आई कैन नॉट स्टार्ट माई कॉन्सर्ट विदाउट दैट, सो लेट्स. Thank you.
सारी बातें इनके साथ में होंगी। चौधरी हाँ चलो बीच में कोई ना कि और राजस्थानी का अलावा भी सुनना हुआ है तो रिक्वेस्ट कर दीजिए।
राजस्थान का जना की तो आवाज स्ट्रांग हुआ है, थाने माइक की जरूरत को नहीं, जेटा वो बट से बोल दी जो तो वर्जन्स बन का आवा है, कभी बॉलीवुड में पॉप में ओरिजिनल गाशा आज तो I'm
Beautiful girls are there. You carry on. 1, 2, 3, 4. I just want to invite some beautiful girls are there. Some boys are there. Handsome boys. You can join this beautiful stage. Come over. Join us. Yeah. Yeah. Hari 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 Hari
में गली पिया खुद भी हो गैला ओ लाज मोरी फतेह रखियो बला दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मैं कम कर दिए
आपको आ रहा हो और एक आप अटल साहब से अटल से यू आर लिटरली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन यू देखो 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 तो फिर अब आपसे तो छेड़खानी मैं करूंगी ही करूंगी डेफिनेटली Let's make some noise, everybody, with this amazing song. We have to make this party world best party tonight. I hope ki gana sabhi ko pata hoga. शरारत सब जानो मैं चौधरी लगे कुछ
तेरे झूम 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 बागम यहाँ की जो ऑडियंस है राजस्थान की खाना वाना खाते हैं
भाई राजस्थान जितने मर्द भी बैठे हैं यहाँ पे राजस्थान के, अपने ऊंचा सवाल है सा कहना पाड़ी, एक बार जोरदार ताड़िया हो जाए आप सभी के लिए। और राजस्थान की बोली किस किस को प्यारी है मैं आप सभी के लिए गाने चाह रहा हूँ। टूटे बाजू बदली लो हुलड़ उड़ती उड़ती जा, टूटे बाजू बदली लो उड़ती उड़ती जा, कोई सतरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए, कोई सतरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए, हलो की बायरिया और हलो की बायरिया चारों मैं तो आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, अभी यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल, आपको कहे था कट ब्याहोसी ब्याहोसी थे मन भुलाशो कौन भुलाशो केठा है, तो कत का मतलब कत का कहीं आगे फ्यूचर की बात है, तो मैं क्यों के आपके लिए मैं एक गानो जवाई को आभारी गा दूँ के वो आपका I don't know if you also know they are but मैं बाकी तरफ से आपके लिए जाएगा शुरू है ना, तो फिर घर आता कीजिए, आप बिहेव करो फिर
जगत बड़ पानी है।
चाली ये गजबन पानी न चाली ये गजबन पानी न मिक्स समझ गए ये गजबन पानी न चाली ये गजबन पानी न चाली में चल रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस पक्ष को मिले की है। नित्य रात्रि में एक कार्यक्रम सांस्कृतिक
कार्यक्रम के रूप में होते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार राजस्थान की जिस पर पूरा राजस्थान गर्व करता है, एक ऐसी कलाकार आज मंच पे है, रजनीगंधा शेखावत, जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के टाइटल सॉन्ग के माध्यम से एक पहचान कायम की। इसके अलावा राजस्थानी और इंग्लिश सॉन्ग का एक कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने ऐसी प्रस्तुति दी कि वो बहुत वायरल हुआ था। वही रजनीगंधा शेखावत मेरे साथ है, उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए बातचीत करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बिल्कुल खमा गणी, आपको भी कितना अच्छा लगता है अपनी कल्चर में, अपनी संस्कृति में, नागौर में आप इतने बड़े कार्यक्रम में आज प्रस्तुति देने के लिए आई है? फर्स्ट टाइम नागौर आई हूँ और मेरे को बहुत सुंदर लगा है जगह, और मतलब बचपन से सुनते तो थे, मैं जयपुर में बड़ी हुई हूँ बट मैंने कभी विजिट नहीं किया था नागौर, तो आज फाइनली मैं आ गई। और मैं 5-6 दिन से सोशल मीडिया पे इतना हल्ला कर रही हूँ, मैं नागौर जाने वाली हूँ, नागौर जाने वाली हूँ, तो वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। जी जी बिल्कुल, आज तो मतलब इस होम क्राउड है ना अपना, तो राजस्थान से ही है। तो जी, आप ऐसे प्रॉपर कहाँ से? मैं मलसीसर से हूँ, शेखावाटी से, और जयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। आप इस लाइन में, सिंगिंग के लाइन में कब से? सिंगिंग बचपन से करती थी पर ऑफिशियली नहीं करती थी, उसके बाद में बम्बई जाने के बाद में चालू किया, तो तब से कर रही हूँ। अच्छा, मंच पे आप पहली बार कब आपने प्रस्तुति दी? वो तो स्कूल में करते थे, असेंबलीज वगैरह में करते थे, तो वो तो अनऑफिशियली एमजीटी स्कूल में हम लोग करते थे, वो तो प्रोफेशनल था नहीं। जी जी। बट प्रोफेशनली फिर मुंबई जाके ही चालू किया। कब लगा आपको कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकती हूँ? वो तो मेरे को टीनेजर थी तब से ही पता पड़ गया था, जब स्कूल में फर्स्ट टाइम गाया था और इतना सारा ओवेशन मिल गया, तो मैंने कहा ये तो कर सकती हूँ, ये करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप गाते हो और स्टेज पे और लोग तालियां बजाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा इट्स अ हाई, वो फिर आपको थोड़ा उसका नशा आ जाता है कि हाँ, आई वांट टू प्लीज पीपल एंड देन मेक देम हैप्पी। रजनीगंधा शेखावत को लोकप्रियता कब मिली सबसे पहले? आई थिंक सबसे पहले तो जब मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज किया था, तब जब फर्स्ट टाइम मेरा फोटो देखा न्यूज़पेपर में, तो ऐसे डरे, वाह, मतलब कितनी, मतलब वाह, बिकॉज देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग माय फैमिली एंड सेइंग कि आपकी बेटी को देखा हमने, अरे वो गाती है। तो शुरू में तो वो छोटा छोटा सा हुआ था, फिर जब मेरा ये वायरल हो गया सॉन्ग, उसके बाद जो मतलब लोग पहचानने लग गए कि घूम रहे हैं कहीं पर, तो कोई ना कोई मिल जाता है पहचानने वाला। थोड़ा सा गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। क्या गाना? जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, जो आपका गाना। अच्छा अच्छा, वो घूमर और चीप थ्रिल्स का मैशअप था जी। I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I keep dancing. Gumar ko lenjo, gumar ko lenjo, ali jale tai jo sa gumar ko lenjo. ये गाना आपने खुद ने तैयार किया? घूमर को लेंजो तो अपना ट्रेडिशनल है, और चीप थ्रिल्स एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है जो अमेरिका में रिलीज हुआ था, बट दोनों मैंने मिक्स करके और अपने घर में खड़े होके गा दिया, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि देखो आज मैं यहाँ पे आ गई उसकी वजह से। आपके गाने के लहजे से पता चला कि आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण किया, तो आपकी शिक्षा के बारे में बताएंगे? वैसे भी शेखावाटी शिक्षा का क्षेत्र है। हाँ, राजस्थान में जयपुर में पढ़ती थी, वैसे तो स्कूलिंग एमजीटी स्कूल से की थी, पर फिर म्यूजिक की पढ़ाई चालू की थी राजस्थान संगीत संस्थान, महाराजा मानसिंह संगीत संस्थान, और फिर मुंबई में जाके एमए किया एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से, तो वो एमए म्यूजिक में किया, तो काफ़ी सालों से शिक्षा तो चल रही है, तो कभी कभी दिख जाती है स्टेज पे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आपको मौका कैसे मिला, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? हाँ, एक्चुअली वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पता नहीं था मुझे कि ऐसा हो जाएगा। मैं इतने सालों से ट्राई कर रही थी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स को फ़ोन कर रहे हो और वो कोई बुला नहीं रहा है, वही होता है रेगुलर बॉलीवुड में, और फिर सडनली फ़ोन आ गया, वायु जो राइटर है फिल्म में, उन्होंने कहा आपका गाना बहुत अच्छा लगा, अभी आओ, अभी रिकॉर्ड करना है, तो इमीडिएटली हो गया इतनी जल्दी से। और मेरे को बोलते हैं ऐसे कैजुअली कि वो वरुण धवन की और आलिया भट्ट की फिल्म आ रही है ना, उसमें गाना है। आई सेड ओह गॉड, ओके लेट्स डू इट, तो बस फिर वो रिलीज हो गई। एंड टच वुड, थोड़ा वो भी गा दीजिए। खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, पूछे है तो है सारी गुइया, कहाँ है बद्री की दुल्हनिया, दुल्हनिया मुन्ने आ रे मुन्ने
मुनिया बद्री की दुल्हनिया मुनिया रे मुनिया बद्री की दुल्हनिया। इतनी सुपरहिट फिल्म करने के बाद में आपको और ऑफर मिले फिल्मी दुनिया से? दो तीन गाने और मेरे आए हैं उस फिल्म के बाद में भी, और बट मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मेरे को मेरे अपने गाने से मिली जो मैशअप है मेरा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ल थी ना तो लोग पहचानते ज़्यादा हैं उसको। प्लेबैक में आप किसने गाया है वो पता नहीं पड़ता, बट अपने वीडियो में हमारी शक्ल होती है तो लोगों को पहचान में आ जाते हैं। तो उसने वो जो वीडियो वायरल हुआ है उससे बहुत बहुत लोकप्रियता मिली है। रजनीगंधा का लक्ष्य क्या है, क्या कहाँ तक जाना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में? पूरे वर्ल्ड में रुकना थोड़ी है, सारा द होल वर्ल्ड इज माय स्टेज। इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? बस कुछ भी नया करते रहो, पता नहीं क्या चल जाए कहाँ पे चल जाए, तो बस करते रहो प्रयास। अब क्या करने वाले नया? ये भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट एक वो माइंडसेट होता है कि अब कुछ ये ट्राई करते हैं अब कुछ ये ट्राई करते हैं और पता नहीं क्या चल जाएगा। तो तीन चार चीजें हैं पाइपलाइन में, अभी रिलीज होंगी तो आप देखिएगा। रजनीगंधा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, हर जैसे पंजाबी है हरियाणवी है गिनों को काफी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली है, लेकिन राजस्थानी भाषा के मामले में ये कि राजस्थानी गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो चुके, तो उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? एक्चुअली राजस्थानी भाषा की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब बॉलीवुड लेता है हमारे गाने तो हमको क्रेडिट नहीं करता, पंजाबी सॉन्ग लेता है तो पंजाबी वर्ड्स रख लेता है, जब राजस्थानी सॉन्ग्स लेते हैं तो सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर होते हैं बट लोगों को पता नहीं होता कि राजस्थानी है। जैसे वो मोरनी जो सॉन्ग है, निम्बुड़ा निम्बुड़ा, हाँ निम्बुड़ा निम्बुड़ा, मोरनी कितने साल पहले हुआ था, पलो लटके कितने साल पहले गया था, तो पीपल डोंट रियलाइज कि ये राजस्थानी सॉन्ग्स है क्योंकि वो वर्ड्स हिंदी के डाल देते हैं। सो नाउ वी हैव टू पुश कि आप हमारे ट्यून्स ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर वर्ड्स भी हमारे रखो जिससे कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि ये हमारे यहाँ से है, क्योंकि राजस्थान की ट्यून्स हर जगह गई हुई हैं और बहुत 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 पॉपुलर है, बट बस लोगों को पता नहीं है कि ये राजस्थान से। राजस्थानी गीतों के लिए एक नाम जाना जाता है वीणा कैसेट्स, आपकी भी इच्छा है कि उसकी उनके लिए भी गाया जाए? उनको चाहिए होगा तो वो बुला लेंगे। कैसी मालू जी? हाँ मैं मिली नहीं कभी उनसे जी जी जी। अभी एक्चुअली सब एवरीबडी सेल्फ पब्लिशिंग, तो हम लोग अपना, जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं अपने यूट्यूब पे डालती हूँ और मैं अपने फेसबुक पे डालती हूँ, और किसी की जरूरत ही नहीं बची है अब तो। ये बात सही कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा मंच दे दिया। यू डोंट नीड अ म्यूजिक कंपनी टू कम इन द मिडल, पहले ये होता था कि म्यूजिक कंपनी के आगे पीछे आप घूमो फिर वो चांस देंगे, अभी किसी को जरूरत नहीं है, आपके पास में फोन है ना, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप इसी पे गाना बनाओ इसी पे रिलीज करो और वो पॉपुलर। और मैं तो मैंने किया हुआ है इसलिए मेरे को मालूम है कि अब तो द होल वर्ल्ड इज देयर, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप में टैलेंट है और अगर जनता आपको पसंद करती है तो दैट्स इट, वो हो जाए। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए रजनीगंधा जी, सो मच। आखिर में बहुत अच्छी बात कही है कि अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट यूट्यूब एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और यही कह रहे हैं कि मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हो और एक वीडियो हो उसके माध्यम से मैं कोई भी अपना अच्छा गीत है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ, और इसी के कारण रजनीगंधा शेखावत को इतनी लोकप्रियता मिली है, और कह रहे हैं कि आज नागौर में इस मारवाड़ के क्षेत्र में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है, और वैसे भी मारवाड़ का ये क्षेत्र अपनी शालीनता के लिए सभ्यता के लिए और भोलेपन के लिए जाना जाता है, और इसी मारवाड़ के नागौर के मंच पर पशु मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राजस्थान की गौरव रजनीगंधा शेखावत अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर पहुँची है, धन्यवाद आपका। खमांगनी। ये था नागौर से हमारा खास कार्यक्रम जहाँ पर पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा पशु मेला नागौर के अंतर्गत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की बॉलीवुड स्टार रजनीगंधा शेखावत के द्वारा बहुत शानदार गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। आप सबको मैं पुनः बताना चाहूँगा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया का जो टाइटल सॉन्ग है वो आप ही के द्वारा गाया गया है, और बहुत सारे राजस्थानी गीत भी उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत करके हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। मकमली आवाज़ के साथ इस सर्द भरे मौसम को निश्चित रूप से उन्होंने गर्म कर दिया था। ऐसे सुधगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।